अब्बास अंसारी प्रशासनिक आधार पर चित्रकूट की जेल में ट्रांसफर होकर के आए थे और इस जेल में रहने के दौरान लगातार उनकी पत्नी कभी मुलाकाती पर्ची पर और कभी बिना पर्ची के जेल में जाकर उनसे मिलती थी। साथ ही साथ कुछ स्थानीय लोगों के साथ मिलकर भी उनका ड्राइवर एक नया गैंग तैयार कर रहा था यहाँ, जो जेल की सिक्योरिटी भी ब्रेक करना चाहते थे और लोगों में दबदबा बना करके आगे फिर रंगदारी वगैरह का प्रयास उनकी ओर से हो रहा था। इस सूचना पर पुलिस ने जब अपनी फील्ड लगाई तो उसके बाद वहाँ उनकी पत्नी जेल में बिना मुलाकाती पर्ची के पकड़ी गई थी और सीसीटीवी कैमरों से ये पता चला कि कई बार ऐसा हुआ है कि वो अनधिकृत रूप से जेल में आई और इस विवेचना में जेल के भी तमाम लोग शामिल पाए गए। उनके विरुद्ध यहाँ अभियोग पंजीकृत हुआ, सबके विरुद्ध चार्जशीट माननीय न्यायालय में प्रेषित की गई। जो अधिकारी कर्मचारी शामिल थे उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी मुकदमे के अलावा चली। एक अभियुक्त के विरुद्ध विवेचना अभी भी प्रचलित है। अब्बास अंसारी और उनके साथ चार लोग और उनका ड्राइवर नियाज और कुछ स्थानीय फराज, नवनीत और शहबाज खान, ये लोग जो मिल करके ये गैंग क्रिएट किए थे, इनके विरुद्ध थाना कोतवाली करवी में गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसमें इनको माननीय न्यायालय से रिमांड बनवाया जाए। सही चीज़ और पता चली है कि इनके पूर्व भी गैंगस्टर की कार्रवाई हुई जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, ऐसे ही था? पूर्व में गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा लिखा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ही माननीय हाई कोर्ट ने उसे निरस्त किया था, प्रोसीजरल फॉल्ट, और उन्होंने ये छूट भी दी थी कि अगर स्थानीय स्तर पर फिर जिला प्रशासन ये पाता है कि ये गैंग है तो उनके विरुद्ध उन्हें कार्यवाही करने की छूट है। उसी आधार पर इनके विरुद्ध फिर से परीक्षण किया गया और परीक्षण में पाया गया कि इस गैंग के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही विधिसम्मत है, अतः गैंग चार्ट अप्रूव करके अभियोग दर्ज कर लिया गया है। एक अभियुक्त अब्बास अंसारी जेल में है जिनका रिमांड बनवाने के लिए माननीय न्यायालय से अनुरोध किया गया है, से इसकी गिरफ्तारी अतिशीघ्र की जाएगी।